फाइनेंस के लिए 8, 9, 11, 12, 17, 18 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 8, 9, 10 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 24, 25 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 9, 10, 21, 22 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 1, 2, 28, 29 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 26, 27 दिसंबर को अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। 4, 5, 31 दिसंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रह सकता है। 13, 14 दिसंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉन एसेंडेंट्स के लिए दिसंबर 2023 के मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद ये 12th हाउस में आ जाएंगे 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक। मंगल ग्रह 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे आपके 11th हाउस में। बुध ग्रह 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में रेट्रोगेट होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। ये 31 दिसंबर तक यहाँ पर रेट्रोगेट रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक तुला राशि में आपके 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। और इसके बाद में ये 25 दिसंबर से आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक 11th हाउस में आपके 2nd हाउस में स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, देखिए इस समय अवधि में और इस समय में आप देखेंगे कि आपको जो भी कार्य करना है अपने घर परिवार के से रिलेटेड, अपने धन से संबंधित रखरखाव के विषय में कुछ कार्य करना है, आप सिंगिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, इनके लिए कुछ कार्य करना है, सब चीज़ों में आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। हेल्थ में भी विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई दाग निशान फुंसी इत्यादि या पिंपल इत्यादि होते हैं, इनसे इन्हें बचा कर रखा जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय में या मच्छर के काटने से कोई निशान हो जाए, ऐसा निशान या कटने छिलने का निशान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है, उन चीज़ों से बचकर रह जाए तो लाभदायी रहेगा। इस समय ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके परिवार की हेल्प से, आपके धन के माध्यम से, आपके स्किल जो आपके लिए आपके पास स्किल है, सिंगिंग से रिलेटेड स्किल है या जो भी आपके पास स्किल है, उन स्किल्स के माध्यम से आपको उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा। समय आपके लिए अच्छा है, लाभदायी समय है, इसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। आगे बात करेंगे आपके सेकेंड हाउस के विषय में। सेकेंड हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट भी है। देखिए जो समय रहेगा इस समय में, इस मंथ में आपको आपके घर परिवार के सदस्यों के अंदर बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई देगी, परंतु किसी न किसी प्रकार से घर परिवार के सदस्यों का जो माहौल, जो नेचर है, वो थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जेटिक दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों में आपको विशेष तौर से स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म गर्म भी ना खाएं, ये आपकी हेल्थ और नाक कान गले से रिलेटेड आइस भी हो गई इसके अंदर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर दिखा सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। वाणी में इस समय में आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में राहु ग्रह और थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में आपको अचानक से कुछ यात्राएँ, अदर रिलीजन के बारे में जानना, उनके धर्म स्थान पर जाने के यात्राएं करना, इनका सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो अचानक से आपको मार्केट में एक बड़ी ग्रोथ मिलने की संभावना दिखाई देती है, जिसमें आपका नेम फेम काफ़ी बने। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और आपके पड़ोसियों से किसी प्रकार की कोई परेशानी, या आपको उनसे परेशानी हो या उन आपके माध्यम से उन्हें कोई परेशानी हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। किसी परेशानी में आपके सिबलिंग या पड़ोसी हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। इसके साथ साथ सिंगिंग से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं,
तो उसके अंदर काफ़ी रियाज, काफ़ी प्रैक्टिस करना इस समय में दिखाई देता है। राइटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, आईटी से रिलेटेड आप सेक्टर में हैं, तो आईटी से रिलेटेड सेक्टर के अंदर तो आप काफ़ी उन्नति प्राप्त करेंगे। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जाने से इस समय लाभ होगा। आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसे अगर आईटी के माध्यम से करते हैं तो आप काफ़ी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। कोई नया सॉफ्टवेयर बनवा लें, खुद से बना लें, कोई ऐप बना लें या बनवा लें, जिस प्रकार से भी आप मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ कार्य करते हैं उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समय में अगर बैठ कर करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ इस समय में कुछ नए क्लाइंट कस्टमर आप अवश्य जोड़ करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में देवगुरु से देवगुरु और बृहस्पति और फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके इलेवेंथ हाउस में अपने स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए ये जो समय रहने वाला है इस समय आपको एक अच्छे घर का सुख दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपको आपके माताजी से हेल्प मिलना, अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। और ये समय अवधि आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से सिबलिंग्स के साथ में कोई टूर ट्रेवल का सुख भी यहाँ पर देती हुई दिखाई देती है। पैट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो पैट्स इत्यादि भी इस समय में स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, पूजा पाठ होना, कोई पाठ इत्यादि होना इत्यादि का लाभ आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, घर के अंदर सभी प्रकार से सुख शांति यहाँ पर बनी रहेगी। आगे बात कर हाँ आपकी माता जी की हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब थी तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए अच्छे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके टेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 24 दिसंबर तक रहेंगे। देखिए 24 दिसंबर तक का समय तो कुछ ऐसा रहने वाला है, आपके पास जितने भी स्किल्स हैं, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उस सब नॉलेज को अपने कार्य व्यवसाय में लगा दिया जाए। अगर 24 दिसंबर 2023 तक आप अपनी सारी एजुकेशन, सारे एक्सपीरियंस, सारे ज्ञान को अपने करियर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं या उसके अंदर उसे यूज़ करते हैं तो आपको आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी उन्नति मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपकी संतान बड़ी है, ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया है, कोई डिप्लोमा वगैरह ले रखा है, आप अपनी संतान को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं तो उसके लिए 24 दिसंबर 2023 तक का समय संतान को अपने बिजनेस में लाने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की हेल्प, संतान के आइडियाज, संतान के पास जो भी नॉलेज है उसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को ग्रो करा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं तो 24 दिसंबर 2023 तक का समय आपको जॉब के लिए ट्राई करना और जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ जो सांसारिक ज्ञान है उसे भी आप ग्रहण करके अगर इंटरव्यू में पेश करेंगे तो आप अधिक रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन इंटरव्यू व्यूअर ने पूछा तो आपको सीधा जवाब भी दे सकते हैं, एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप उस चीज़ को सांसारिक वे में समझाएं, उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इन कार्यों को करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ 25 दिसंबर 2023 के बाद आपको आपके संतान के माध्यम से लाभ मिलने की, धन लाभ मिलने की, नेमफे मिलने की संभावना दिखाई देती है। आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो 25 दिसंबर 2023 के बाद वहाँ से आपको अच्छा धन मिलने की संभावना दिखाई देती है। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 25 दिसंबर 2023 के बाद का समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। एक अच्छी और उत्तम संतान को आप कंसीव करा करके उससे अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके ट्वेल्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये पूरा ही समय आपके ट्वेल्थ हाउस में रहने वाले हैं। देखिए इस समय अवधि में आपको किसी प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सामने से जाकर तो लड़ाई झगड़ा ना ही करें तो अच्छा है, आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा मारापीटी चल रही है तो आपको वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। अगर आप किसी की जमानत इस समय में देते हैं तो आप फंस जाएंगे, वे बचें या उनका क्या होगा ये तो पता नहीं, परंतु आपके फंसने के चांसेस बनते हैं। आपको कहीं पर भी रुक करके खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ से आपको निकल जाना है बच करके, और किसी की गवाही देने में तो बिल्कुल नहीं जाना है। इस समय में आपके लिए लीगल मैटर जो भी आपके हैं उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरा महीना लीगल मैटर से बचने के लिए रहेगा। अगर अदरवाइज आप यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में लोन ना लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस लोन के लिए देखिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। संभावना ये बनती है कि डॉक्यूमेंटेशन तो आपने किया और आप ही किसी कारण से फंस गए या कोई डॉक्यूमेंट गलत आपने लगा दिया जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए बच के रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे
एक चीज़ और, इस समय में आपको आपके मैटरनल अंकल और आंटी से भी कोई विशेष सलाह नहीं लेनी चाहिए। अगर लेते हैं तो उसे इंप्लीमेंट करने से पहले रुक जाए, क्योंकि सलाह लाभदायी नहीं होगी, नुकसानदायी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस के विषय में। सेवेंथ हाउस के ऊपर राहु ग्रह की दृष्टि है, और देखिए सेवेंथ हाउस आपका जो स्पाउस है, आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है, इस समय में कुछ पॉलिसी मोनोपोली करके आपसे धन ऐंठने का कार्य कर सकता है, तो उन चीज़ों से बचकर रहा जाए। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ज़्यादा ट्रस्ट दिखाएं पर करें नहीं, और उनकी जो भी एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ ही रहेगा। इस समय में अचानक से आपको कुछ लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना बनती है, परंतु अच्छे कार्य करते रहें तभी जा करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके एट्थ हाउस के विषय में। एट्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके इलेवेंथ हाउस में 15 दिसंबर 2023 तक गोचर करेंगे, इसके बाद ये ट्वेल्थ में चले जाएंगे। देखिए 15 दिसंबर 2023 तक का समय तो कुछ ऐसा रहने वाला है, अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से चल अचल संपत्ति या कोई वार्षिकी संपत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट की सहायता लेकर के, तो इस समय प्राप्त कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन होना है उसे आप 15 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर दें तो अच्छा रहेगा, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर 2023 तक अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दें, अच्छा रिजल्ट आने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ किसान भाई हैं, 25 दिसंबर 2023 तक अपनी फसलों के दाम वगैरह लगाए जाते हैं तो लगवा लें, उत्तम समय रहेगा। इसके बाद का जो समय रहेगा, 16 दिसंबर के बाद का जो समय है, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन को गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर खर्च करता हुआ दिखाई देता है। अब गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरीके से खर्च हो सकता है, चालान भी कट सकता है, इनकम टैक्स जीएसटी इत्यादि के लिए भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, और कुटुंब के सदस्यों के लिए भी कुछ धन आपको पुलिस इत्यादि के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है, तो इन सब चीज़ों से बचकर रह जाए। और साइंटिस्ट वर्ग के लोग या पीएचडी जो कर रहे हैं, किसान भाई हैं, 16 दिसंबर के बाद अपनी फसलों का रेट ना लगवाएं। पीएचडी इत्यादि करते हैं तो इसमें रुक जाएं, 30 दिन का समय रुकने के लिए बोलूँगा, 30 दिन रुक जाएं, उसके बाद फिर दोबारा से अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो सबमिट करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस के विषय में। नाइन्थ हाउस में केतु ग्रह, और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, देखिए और यहीं पर रहने वाले हैं, और इस पर राहु की भी दृष्टि है। देखिए इस समय अवधि में अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जा सकते हैं। फ़ौरन जाने के लिए आपका कुछ धन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। देखिए मैंने बोला ना कि कुछ धन आपका गवर्नमेंट के लिए खर्च होगा, तो वही 15 दिसंबर के बाद का समय आप गवर्नमेंट के लिए धन खर्च कर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपको विशेष तौर से जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, ताकि आगे जाकर के किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े। लाभदायी रहेगा, यात्राएं लंबी दूरी की होंगी इस समय में, यात्राएं करने से भी लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। कुछ सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से अगर आप जुड़ करके कार्य करते हैं तो उनके लिए भी धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके टेंथ हाउस के विषय में। टेंथ हाउस में शुक्र ग्रह जो स्वराशि में है, और इसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है। देखिए ये जो पूरा महीना है इसमें से 24 दिसंबर 2023 तक का समय व्यापार व्यवसाय की उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय में कुछ नया करना है, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना है, नया स्टार्ट करना है, नई जॉब ज्वाइन करनी है, नए एम्प्लॉई को हायर करना है, इसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार से आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई आईटी से रिलेटेड चीज़ लेनी है, सॉफ्टवेयर इत्यादि लेना है, ऐप लेना है, तो इस समय में आपको ले लेना चाहिए। 15 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। और इसके बाद में जब 16 दिसंबर के बाद शुक्र ग्रह आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तो जो चीज़ें आपने इस समय में अपने बिजनेस या जॉब में इंप्लीमेंट किए हैं उन चीज़ों से लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, उन चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद इस समय में आप अपने पिताजी से, अगर कोई पिता या पुत्र पिता तुल्य व्यक्तियों से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, या गुरु भी हो गए यहाँ पर, उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो इस समय में आप प्राप्त कर लें, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में सूर्य ग्रह 15 दिसंबर तक, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने अपनी स्वयं राशि में रहने वाले हैं। देखिए इस समय अवधि में आप एक चीज़ देखेंगे, और मंगल के ऊपर शनि की भी एस्पेक्ट है। देखिए मंगल के ऊपर नहीं, आपके 11th हाउस के ऊपर, पूरे हाउस के ऊपर है, मंगल तो वहाँ पर है ही। देखिए 15 दिसंबर 2023 तक का समय, अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं,
तो उसके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। जो आरसी वगैरह बनती है, जो रजिस्ट्री इत्यादि होती है, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्र इस समय में थोड़े इगोस्टिक हो सकते हैं और एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, तो पार्टी इत्यादि करने से बचा जाए। वाणी का भरपूर अच्छी वाणी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो मित्रों से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। और नेम फेम आपको थोड़ा सा मिलता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर नेम फेम के लिए भी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में जैसे ही सूर्य ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, मतलब 16 दिसंबर 2023 के बाद का समय की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ धन आपका सरकारी चीज़ों के लिए भी खर्च होगा। अभी लाभ होगा फिर खर्च होगा, तो ऐसा दिखाई देता है। तो ये था। अच्छा, इस समय में आप अपने धन को प्रॉपर्टी के अंदर भी निवेश कर सकते हैं, इसके साथ साथ सरकारी बैंकों के अंदर भी निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, सब आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में बुध ग्रह और 12th हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस से ये अपने 9th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। देखिए, इस समय में देव गुरु बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका धन दान पुण्य इत्यादि के ऊपर भी खर्च कराएंगे, और खर्च करा करके आपको सभी प्रकार की मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार से बचाने का प्रयास करेंगे। परंतु वहाँ पर बुध ग्रह है, जो कि इनके मित्र नहीं है, एनिमी है, तो डॉक्यूमेंटेशन के कार्य करते हुए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करेंगे तो उसे केयरफुल होकर के करें। और 15 दिसंबर 2023 के बाद कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो अपने सभी डॉक्यूमेंट, जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आईडी वगैरह होती हैं, लाइसेंस वगैरह होता है, उसे साथ लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज वहाँ पर फिर जो सूर्य ग्रह जब आएंगे तो वे आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्ची करा देंगे। आगे आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 दिसंबर का समय, देखिए 1-2 दिसंबर का समय यहाँ पर जो मैरिड है उनकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है, और हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ इस समय में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होता है, और काफ़ी आनंद इस समय रहेगा, जाने से लाभ होगा। और व्यापार में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद करेंगे 3-4-5 दिसंबर का समय। ये समय आपके लिए थोड़ा सा 4 और 5 दिसंबर का समय ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, आपके प्रत्येक कार्य में ऑब्स्टेकल आएगा। इस दिन आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, अपने आपको मोटिवेट रखें, डीमोटिवेट होने से बचाएं। विशेष तौर से इस दिन आपको अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए, ज़्यादा उद्यमी ना बनाएं, हो सके तो घर पर रेस्ट किया जाए। इस दिन जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, इस दिन उन्हें अपने कार्यों को पूर्ण करके सबमिट कर देने से लाभ होगा। 6-7 दिसंबर का समय, ये समय 6-7 दिसंबर का जो समय रहने वाला है, इस समय में विशेष तौर से आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होता है। एक लंबी दूरी की कोई यात्रा इस समय में करें तो उसके माध्यम से भी लाभ प्राप्त होता दिखता है, तो कुछ धार्मिक यात्राएं करें तो भी लाभ प्राप्त होता है। 8-9-10, तो यहाँ पर 8-9 दिसंबर का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होती दिखाई देती है, धन का लाभ मिलता दिखाई देता है। और 9-8-9-10, तो यहाँ पर 9-10 दिसंबर का समय लव रिलेशन बनाने के लिए भी उत्तम रहने वाला है, चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद हाँ, 8-9-10 में एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब इस समय में आप ज्वाइन कर लें, जैसी मिलती है ज्वाइन कर लें, पहले ज्वाइनिंग हो जाए फिर बाकी आप चीज़ें सेटल हो जाएंगी। व्यापार करते हैं, नया एम्प्लॉय हायर करें इस दिन। इसके साथ साथ कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसे ऐड करने से लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ नया इस दिन करने का प्रयास किया जाए तो लाभदायक दिखाई देता है। 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय में, 11-12 दिसंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। ये समय आप इस समय में आपके पास धन होना, धन को संचय कर पाना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना, ऐसी इन चीज़ों के लिए दिखाई देता है। 13-14 दिसंबर का समय, देखिए 13-14 दिसंबर का समय थोड़ा सा आपका ये एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। इस दिन आपका धन किसी न किसी प्रकार से घर, व्हीकल, माताजी की हेल्थ, या माताजी के लिए हेल्थ भी नहीं कहते, हेल्थ हेल्थ जरूरी नहीं है, हेल्थ के लिए किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता होता है। हो सकता है माताजी के लिए कुछ आप दान पुण्य करें, या माताजी आपके साथ जाकर के कुछ दान पुण्य इत्यादि करें, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था बनती दिखाई देती है। इसके बाद 15-16 दिसंबर का समय, तो देखिए 15-16 दिसंबर का जो समय रहने वाला है, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप अपने भविष्य के विषय में कुछ सोच विचार कर सकते हैं, घर परिवार के विषय में थोड़ा सा मनन करेंगे, और आरामदायी एक समय इस समय मिलता दिखाई देता है। 17-18 दिसंबर का समय, तो 17-18 दिसंबर का समय आपके लिए फाइनेंस देने वाला रहेगा, परंतु इस दिन विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाए, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा हॉट फूड ना खाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस वजह से एलर्जी होना, नाक कान, आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए केयरफुल ना आ जाए। 19-20 दिसंबर का समय, 19-20 दिसंबर का समय जो रहने वाला है, ये समय आपको छोटी दूरी की यात्राएं कराने वाला रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या आईटी के रिलेटेड चीज़ों के माध्यम से आपको लाभ दिला सकता है। कुछ अदर रिलीजियस प्लेस पर जाने का भी अवसर यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। 21-22-23
तो 21, 22, 23 में से 21, 22 दिसंबर का समय एक तो लव रिलेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में जो आपके पास व्हीकल है उसका आनंद प्राप्त करना, घर परिवार का माहौल अच्छा रहना, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होना और अगर पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके साथ एक आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। 24-25 दिसंबर का समय, 24-25 दिसंबर का समय स्टूडेंट और उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन में इस समय में जो भी आप प्रयास करेंगे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई नई चीज़ इस समय में आप सीखना चाहते हैं, कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 26-27 दिसंबर का समय, देखिए 26-27 दिसंबर का समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई डिजीज़ है तो उससे नज़रअंदाज ना किया जाए, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस दिन अपने लॉयर या एडवोकेट से कंसल्ट किया जाए। और किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका मैटर ये सॉर्ट आउट होगा तो उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए समय उत्तम रहने वाला रहेगा। ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके मैटरनल अंकल आंटी से भी आपको जोड़ सकता है। इसके बाद 26-27 हो गया, 28-29-30 दिसंबर का समय, तो 28-29-30 दिसंबर में से 28-29 दिसंबर का समय आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त करेंगे। कुछ जिन बच्चों का विवाह भी नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसे सेलेक्ट करके आगे विवाह की योजना या तैयारी की जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 31 दिसंबर का समय, देखिए 31 दिसंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आप अपने ही कार्यों के अंदर उलझ करके कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं, आपके कार्य डिले हो सकते हैं, इन चीज़ों के लिए रहने वाला रहेगा। तो ये था मकर लग्न के लिए दिसंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।